देखिए जब यही बात कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोग कहा गया था कि राम विरोधी। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथा कथित उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया, और आज जब इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो अब खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो देश भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। यदि सच में राम भक्त होते तो अपने ही सरकार के खिलाफ आलोचना करते, यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मूल चरित्र यही है कि कैसे भी हो सत्ता प्राप्त कर, राम नाम जपना पराया माल अपना, ये इनका चरित्र है। ये पूरा जो कवायद है और जो स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है और राहुल गांधी की चिट्ठी लिखना, वो बता रहा है कि ये राहुल जी के पदयात्रा से घबराए हुए और रोकने के लिए तमाम प्रकार के ये कवायद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कोविड प्रोटोकॉल है सब पालन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्शन दे दे राज्य सरकारें सब करेगी, उसमें कोई बात तो है ही नहीं। लेकिन अचानक से कोरोना का, और जहाँ चीन में है वहां से तो आवाज आई, रोक नहीं रहे, प्लेन को रोक नहीं रहे, वहां के यात्री आ रहे हैं उसके कोई अतिरिक्त आप कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप कोरोना के बहाने राहुल गांधी को रोकना चाहते हैं?